हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। जेके न्यूज नेटवर्क के सेगमेंट बॉलीवुड गपशप में मैं शाहीन अली आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आइए बताते हैं क्या है आज के चटपटे और मसालेदार खबरों में। एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही फिल्म आरआरआर के लिए अजय देवगन का फर्स्ट लुक सामने आ गया है। डायरेक्टर ने सोशल मीडिया पर फिल्म का मोशन पोस्टर साझा करते हुए अजय देवगन को जन्मदिन की बधाई दे दी है और लिखा है लोड एम शूट, वो अपने लोगों को सशक्त बनाकर ताकत हासिल करता है। वीडियो में शॉल ओढ़े हुए अजय देवगन को एक युद्ध के मैदान पर लोगों से घिरा देखा जा सकता है। बैकग्राउंड में लोड एम शूट शब्द की आवाज सुनाई दे रही है। वीडियो के अंत में अजय शॉल हटाकर सामने आते हैं। रणबीर कपूर के कोविड से रिकवर होने के सप्ताह भर बाद उनकी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस आलिया भट्ट कोरोना से संक्रमित हो गई है। 28 साल की एक्ट्रेस ने शुक्रवार को सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा है मेरा कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आया है, मैंने तुरंत खुद को आइसोलेट कर लिया है और अब होम क्वारंटीन रहूंगी। आलिया ने आगे लिखा है मैं अपने डॉक्टर्स की सलाह के मुताबिक सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल का पालन कर रही हूँ। आप सबसे मिल रहे प्यार और सपोर्ट के लिए आभारी हूँ। प्लीज सुरक्षित रहे और अपना ख्याल रखे। बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर और अपनी अपकमिंग फिल्म गंगूबाई कठियावाड़ी के डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के कोविड पॉजिटिव आने के बाद 11 मार्च को आलिया भट्ट ने भी कोविड टेस्ट कराया था। हालांकि उस वक्त उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, बावजूद इसके उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया था। दिवंगत अभिनेता कॉमेडियन और डायलॉग राइटर कादिर खान के बड़े बेटे अब्दुल कुडुस का इंतकाल हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को उन्होंने कनाडा में अंतिम सांस ली है। हालांकि उनकी मौत की वजह अभी सामने नहीं आई है। कुडुस खुद को लाइमलाइट से दूर रखते थे और कनाडा के एक एयरपोर्ट पर बतौर सिक्योरिटी ऑफिसर काम करते थे। दिया मिर्जा मां बनने वाली है। उन्होंने ये खुशखबरी सोशल मीडिया पर बेबी बम्प के साथ शेयर की है। गौरतलब है कि दिया ने फरवरी में ही बिजनेसमैन वैभव रेखी के साथ दूसरी शादी की है। पिछले दिनों उनके मालदीव हनीमून की फोटोज भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसमें वो अपनी स्टेप डॉटर के साथ नजर आई थी। अंत में आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस गौहर खान पर FWICE के द्वारा लगाया गया 2 महीने का बैन हटा लिया गया है। हालांकि फेडरेशन ने इसके साथ ही गौहर को चेतावनी दी है कि अगर दोबारा उन्हें इस तरह के मामलों में दोषी पाया गया तो उन पर दोबारा बैन लगा दिया जाएगा, जिसे लंबे समय तक लागू रखा जा सकता है। गौरतलब है कि गौहर के खिलाफ BMC ने कोविड-19 नियमों के उल्लंघन का केस दर्ज कराया था। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR में गौहर पर कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद नियमों का उल्लंघन करते हुए बाहर घूमने और शूटिंग करने के आरोप में लगाए गए थे। तो ये थी जेके न्यूज नेटवर्क के बॉलीवुड सेगमेंट के ऊपर कुछ खास पेशकश। तो आगे हम आपको ऐसी और भी अपडेट्स देते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहिए जेके न्यूज नेटवर्क के साथ। अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।